हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम के एजोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की क्या है बात। हम लोग आज आईएमओ का लेवल 2 का सॉल्व पेपर 2016-17 देखेंगे। आंसर की देखेंगे इसके हम लोग 2016-17 की। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम कब होने वाले हैं, लेवल 2 के एसओएफ ओलंपियाड लेवल 2 के जो एग्जाम होने वाले हैं वो संडे को होने वाला है। इस संडे को 11 फेब को आपका एग्जाम होगा और आई होप कि आप सबने तैयारी कर ली होगी। तो एक बार रिवीजन के लिए आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देख लीजिए, पैटर्न यही रहेगा आपका एग्जाम का। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन अपलोड किया था, उसके आंसर की अपलोड की थी। आज मैं दूसरा पेपर अपलोड कर रही हूँ, उसके आंसर की को आपको अवेलेबल करा रही हूँ। आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं इन क्वेश्चन की, ठीक है। आंसर आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे और आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करके और उसके आंसर से आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आईएमओ का इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड लेवल 2 सॉल्व पेपर 2016-17, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस एस माइनस पी एंड माइनस आर। ओके, यहाँ आपको एक नंबर लाइन दिख रहा है, इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अगर -0.8 आ रहा है यानी कि सी आ रहा है तो आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर डू नॉट लाई बिटवीन 4/33 एंड 11/25। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में चार रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि 4/33 और 11/25 के बीच में इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है जो लाई नहीं करता है, ठीक है। तो सोच समझ के बनाएंगे, अगर आपका आंसर 2/25 आया तो आपका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मोर ट्राइंगल इन द गिवन फिगर मस्ट बी साइडेड टू टेक द फ्रैक्शन ऑफ साइडेड पार्ट इक्वल टू 5/8। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था। कितने, हाउ मेनी मोर ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर मस्ट बी साइडेड टू मेक द फ्रैक्शन ऑफ अनसाइडेड पार्ट इक्वल टू 5/8। क्लियर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सॉल्व 27x प्लस 5/3 इक्वल टू 6x प्लस 5 फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनकरेक्ट। अब इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं, यहाँ पे 5-6 स्टेप्स दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा स्टेप इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको जब स्टेप्स चेक करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आंसर इसका, ओनली 2 स्टेप्स जो है वो इनकरेक्ट है इसमें, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें स्टेप कौन सा रॉन्ग हो रहा है, ओनली 2 स्टेप रॉन्ग हो रहा है, सेकेंड स्टेप रॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, आर एस टी एंड पी एस वी आर आइसोसेल्स ट्राइंगल, एस टी यू वी इज इक्वल एंड क्यू आर टी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड एंगल पी एस आर प्लस एंगल एस पी वी। यहाँ तक तो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको आपको केयरफुली पढ़ना है और उसके बेस पे आपको ये आंसर निकालना है, एंगल पी एस आर यानी कि एंगल पी एस आर दिस एंगल एंड एस पी वी यानी कि ये एंगल, इन दोनों एंगल का एडिशन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा A 72। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the given figure, state whether the triangle are congruent. If yes, find the correct order of vertices. अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। In the given figure, state whether the triangle are congruent. If yes, find the correct order of vertices. इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ नंबर, अ बॉटल इज 3/4 फुल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। The drink in the bottle can fill 6 glasses. The drink in the bottle is poured out to fill 4 glasses. Find the fraction of drink left in the bottle. Solve करें इसको फटाफट से, जल्दी से solve करें। इसमें अगर आपका answer 1/4 आ रहा है, 1/4 fraction of drink left in the bottle, then you are right. Next question है हमारा, the average of 5 numbers of 6x. If 4 of them are x, 7, 6 and 4. Then find the fifth number. Give your answer in the term of x. X के टर्म में आपको बताना है।
एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स दिया हुआ है 6x, और इफ फोर ऑफ देम आर, उनमें से जो चार नंबर्स है, एक x है, दूसरा 7 है, तीसरा 6 है और चौथा 4 है, तो आपको फिफ्थ नंबर बताना है और वो भी x के टर्म में आंसर आपको बताना है. बी ऑप्शन 29x-7 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो चलिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं. द गिवन फिगर शोज अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ सेंटर्ड पार्ट. टोटल एरिया ऑफ सेंटर्ड पार्ट आपको बताना है. तो आपका आंसर आना चाहिए डी नंबर 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए टेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 37/13 इज इक्वल टू 2+1/a+1/b+c, देन b+c इन द ब्रैकेट 11a-13 इन द ब्रैकेट इज इक्वल टू. सॉल्व करना है इसे और आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो कैसे हो जाएगा आपका, जो भी आंसर आएगा, अगर आपका -11 आ रहा है तो आपका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ लॉन्ग मेटालिक वायर ऑफ लेंथ x²y+5xy+6xy² इज बेंट इन द फ्रंट ऑफ अ ट्राइंगल इफ द टू साइड आर 3xy+4x²y एंड 2x²y+2xy, देन फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. तो अब इसे सॉल्व करें और आपका आंसर आना चाहिए इसका 6xy²-5x²y, यानी कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसका. 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन अ जू द रेशियो ऑफ द डियर एंड एलिफेंट्स वाज 3:4. व्हेन टू न्यू डियर्स आर एडेड टू द ग्रुप द रेशियो ऑफ द डियर टू द एलिफेंट्स बिकम्स 4:5. हाउ मेनी डियर एंड एलिफेंट रेस्पेक्टिवली आर देयर इन द जू नाउ. जू में अब एलिफेंट और डियर कितने हैं रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले डियर बताना है फिर एलिफेंट बताना है. अब जू में कितने डियर हैं और कितने एलिफेंट है आपको बताना है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए 32 and 40, डियर 32 एंड एलिफेंट 40. आगे बढ़ते हैं. 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. सैम सोल्ड अ गिटार एट अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 25% इफ ही अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1500, देन व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द गिटार. 13 का सी 7500 आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. इफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज फिफ्थ मल्टीपल ऑफ रिमाइंडर ऑफ 2379 डिवाइडेड बाई 4 एंड वन ऑफ इट्स साइड इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 27, then what is the length of the other side in centimeter. 14 का राइट आंसर होगा ए 12. आगे बढ़ते हैं. 15. The ages of 9 students are given as 18, 27, 18, 18, 19, 26, 26, 19 and 36. Find the mean, mode, median respectively. Mean, mode, median के questions आते ही आते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. मीन मेडियन मोड वाले लास्ट को ईयर वाले कल वाले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन था मीन मेडियन मोड का, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना. 15 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बी 23, 18 and 19. मीन इसका 23, मोड 18 एंड मेडियन 19 आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं 15 के बाद. 16. अ क्यूब इज रोल्ड इफ द नंबर्स -1, -2, 0, 1, -2, 3 आर रिटन ऑन द फेसेस ऑफ क्यूब. दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग -2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3. ठीक है, -2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है और 3 की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी इसको सॉल्व कीजिए. तो राइट आंसर हो जाएगा 1/3 and 1/6. नेक्स्ट देखते हैं. 17. सब्ट्रैक्ट -1/9 फ्रॉम 11/12 एंड एड द रिजल्ट इन एडिशन ऑफ 1/8 and 5/2. क्वेश्चन इजी है लेकिन कैलकुलेशन फास्ट करना है आपको. क्वेश्चन तो बहुत इजी देख के लग रहा है आपको, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ऐड करना है और फिर रिजल्ट में उसको ऐड कर देना है, लेकिन ये बहुत फास्ट करना पड़ेगा आपको. इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 263/72, डी नंबर ऑप्शन. 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल व्हिच पेयर ऑफ एंगल्स विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री. राइट आंसर हो जाएगा
इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट देखते हैं, गरिमा बेक्स अ केक, सी यूज 250 ग्राम ब्राउन सुगर इन 1 kg ऑफ फ्लोर, फाइंड द रेशियो ऑफ सुगर टू फ्लोर, फ्लोर टू सुगर एंड सुगर टू द अमाउंट ऑफ सुगर एंड फ्लोर टूगेदर। तीन तरह के रेशियो आपको बताने हैं, इसको सॉल्व कीजिए। आसान है क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1:4, 4:1 एंड 1:5 का रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर। अब यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, इस जगह पे पी आ रहा है, यहाँ पे क्यू आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। इन तीन जगहों पे हम कौन कौन सी वैल्यू डालेंगे कि हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। मेंटल मैथ्स है, इसको दिमाग से सोचना है क्या यहाँ पे हम डालेंगे कि हमारा आंसर ये आ जाए। जब आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो आपका यहाँ पे पी की जगह पे 5 आएगा, क्यू की जगह पे 8 आएगा एंड आर की जगह पे 1 आएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिसके ऊपर ये लाइन होती है इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ये एक छोटा सा हिंट मैंने आपको बता दिया है, वैसे आपको पता होना चाहिए। अब इसे सॉल्व करिए फटाफट से और इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 78, ए नंबर ऑप्शन। 22nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2x + 7/3 इज इक्वल टू 2x + 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। अब इस चीज को हमें दिस इज इक्वल टू दिस दिखा रहा है, अगर दिस इज इक्वल टू दिस है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकाल के इस नंबर लाइन पे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमें बताना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जैसे निकल जाएगी वैसे हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, फिर उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको पता ही है। तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5/2 और नंबर लाइन पे इस जगह पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd नंबर, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड by the student, by a student in her class is 4 times the lowest marks plus 5. The highest marks is of absolute value of -6 × 13. Find the lowest marks. Yeah? Lowest marks आपको बताना है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 18.25, यानी कि ए नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर, इन ए स्कूल 10x² + 3xy + y² (2x²) + 9x + 2yx + 7x³ + 8xy + 2y³ students are enrolled for NCO. NCO and IMO respectively. NCO, NSO and IMO respectively. Find the total number of students enrolled for all three exams when x is equal to 2 and y is equal to 3. Clear? तो 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 263, यानी कि बी नंबर, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन टू रैशनल नंबर्स a/b एंड c/d, इफ ad इज ग्रेटर देन bc देन व्हाट एंड इफ ad इज लेस देन bc देन व्हाट। क्लियर, इन दोनों जगहों पे क्या आएगा ये आपको बताना है। 25 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, a/b इज ग्रेटर देन c/d एंड a/b इज लेस देन c/d। टू टावर्स 18 मीटर एंड 28 मीटर हाइट स्टैंड अपराइट ऑन अ ग्राउंड, इफ देयर फीट इज 24 मीटर अपार्ट देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज। 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 26 मीटर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट। 27 नंबर देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑर्थोसेंट्रिक इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल। बी नंबर, इन सेंटर इज द पॉइंट एट विच द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स of a triangle meet. C number option, circumcenter is the point at which is the median of triangle meet. D option, centroid is the point at which the altitude of a triangle meet. अब इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा, तो अगर आपको लगता है कि 27 नंबर का B नंबर ऑप्शन करेक्ट है तो सही जवाब है आपका, the number of diagonals drawn from one vertex of a polygon of 17 sides is
28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इफ 32 अपॉन 243 टू द पावर 4 इनटू 16 अपॉन 81 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 टू द पावर 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 टू द पावर 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपका आंसर सी आ रहा है, 9 आ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, इफ 2/3 ऑफ अ नंबर, हाफ ऑफ द सेम नंबर एंड 1/7 ऑफ द सेम नंबर and the number itself are added, the result is 3 less than 4th multiple of 10, the number is, so 30 number ka right answer kya ho jayega, b 16 whole 2 upon 97। next question dekhte hain, in dash the in center of triangle coincides with its circumcenter, orthocenter and centroid, so 31 number ka correct answer c ho jayega, an equilateral triangle। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज 25.5, देन सम ऑफ नंबर्स इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 1275, 32 का ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक साइंस टू द स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, तो 33 नंबर में आपको ये चार्ट को देखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ को देख करके इसे सॉल्व करना है। 33 से लेके 35 तक के जो क्वेश्चन है वो इसी ग्राफ पे बेस्ड है, तो यहाँ पे हमें इस ग्राफ को देख के बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक साइंस टू द स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, क्लियर। तो अगर आपका 33 का ए नंबर आंसर आ रहा है 3/5, तो आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं, 34 नंबर, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक सोशल साइंस एंड हिंदी टूगेदर टू द स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस टूगेदर इज, तो ग्राफ को देखें और फटाफट से इसे सॉल्व करें। तो 34 का अगर आपका ए आ रहा है 25:34, तो आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक हिंदी, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक हिंदी, तो 35 का आपका 18.64% आना चाहिए। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 18.64, ए नंबर आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन, 35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आर मेन एंड 25% आर चिल्ड्रेन, इफ 7 लाख आर मेन देन व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो 36 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा ए 20 लाख। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, एफ एच आई इज ई an equilateral triangle and CEFG is a trapezium with EC parallel to FG, DCFI, BCG and GFH are straight lines, find angle CGF and angle ECF, yeah? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो 37 नंबर का राइट आंसर आएगा जो वो 48 डिग्री एंड 60 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर, द वैल्यू ऑफ x सच दैट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट माइनस 4 इंटू माइनस 9 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 8 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 5 इंटू 0 इज, इसका राइट आंसर हमारा b हो जाएगा, -3/2। नेक्स्ट देखते हैं, 39 नंबर, द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इज रुपीज 100 लेस देन 6 टाइम्स द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी, अ सिमिलर सेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट ए एंड 4 ऑब्जेक्ट बी इज प्राइस्ड एट रुपीज 1400, फाइंड द प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट ए, प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट ए, 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 800 रुपीज, 800 इज आवर राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर, तो 40 नंबर का अगर आपका आंसर ए आ रहा है 1683, तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन अ 2-digit नंबर देयर 10th डिजिट इज ट्वाइस द यूनिट डिजिट, the number formed by interchanging the digits is 27 less than the original number, the original number is, ठीक है, तो अगर आपका आंसर यहाँ पे b आ रहा है 63, तो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इन अ ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। एबीसी अगर एक ट्राइंगल है तो इनमें से कौन सा कंडीशन होल्ड करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, ए बी इज़ इक्वल टू बी सी लेस देन सी ए। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12% हायर देन कॉस्ट प्राइस। अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस इन दिस काइंड ऑफ स्केल्स द सेलर। ओके, तो 43 नंबर का हमारा हो जाएगा सी, गेन्स। क्या मिलेगा सेलर को, गेन या लॉस, यही बताना है हमें। तो 43 का सी हो जाएगा, गेन्स। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या आएगा बताना है। तो 44 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 1 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व दिस, इसे आपको सॉल्व करना है, राइट आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, 5997 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब आ रहा है हमारा अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन में आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा होते हैं, अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आपके बहुत ज्यादा मार्क्स चले जाते हैं। 46 नंबर, इन अ गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू अ स्केल, क्यू आर एस इज अ स्क्वायर with QT is equal to QU if SR is equal to 7x minus 6 cm and SP is equal to 2x plus 9 cm, then find the value of X, area of triangle TRQ, and third is angle QTU and angle UTR. तो इन तीनों के आंसर आपको बताने हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, फर्स्ट के लिए आपका 3 हो जाएगा, सेकंड के लिए आएगा 56.25 एंड थर्ड के लिए 67.5 डिग्री एंड 22.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47, मैच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिया हुआ है एंड वैल्यू दी हुई है, तो इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू क्या होगी इससे आपको मैच कराना है और आपको राइट आंसर यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, पी के लिए थर्ड हो जाएगा, पी की वैल्यू ये हो जाएगी एंड क्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी, सेकेंड वाला क्यू की वैल्यू हो जाएगी एंड आर की वैल्यू 4th, आर के लिए 4th हो जाएगा एंड एस के लिए 1st ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द स्टेटमेंट करेक्टली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ स्टेटमेंट दिया है 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया है, आपको बताना है इनको पढ़ के कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, या दोनों फॉल्स है या दोनों ट्रू है। ठीक है, तो 48 को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसके बाद आपका आंसर अगर सी आता है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, तो आपका सही जवाब है। आगे देखते हैं 49 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एंड एस, प्रिंसिपल रेट इज दिस, रेट पी ए इज इक्वल टू दिस, टाइम दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट दिया है, पी क्यू आर एस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस, इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो आपके पास ये टेबल है, इसके अकॉर्डिंग आपको पी क्यू आर एस की वैल्यू बतानी है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है बी, 5% पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 1200 एंड आर की वैल्यू 12560 एंड एस की वैल्यू 5024, तो आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस ईयर का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द गिवन फिगर। ये गिवन फिगर है, इसमें x प्लस वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो x यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, y आपको यहाँ पे दिख रहा है, x आपको यहाँ दिख रहा है, y आपको यहाँ दिख रहा है। x और y की वैल्यू बतानी है फिगर ए के लिए और फिगर बी के लिए, इसका आपको अलग निकलेगा और इसका आपका अलग निकलेगा, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग x plus y निकालनी है। जो भी आता है, अगर आपका आ रहा है फर्स्ट वाले के लिए 128 डिग्री और सेकंड वाले के लिए 114, तो आपका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इजी है, कुछ टफ है, लेकिन आपको उतनी क्या करनी, स्पीड बढ़ानी है, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है। स्पीड कब बढ़ती है, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की। सबसे पहले तो आपको जहां से भी क्वेश्चंस मिलते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट करके उसकी प्रैक्टिस करिए और उसके बाद देखिए कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, क्या हर बार एक ही तरह के क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, और अगर आपको एक ही तरह के क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो क्या जरूरत है आपको उस टॉपिक को आपको अच्छा करने की,
उसे उसी में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, जहां पे आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को इम्प्रूव कीजिए और ज्यादा पढ़िए उसके बारे में। जहां भी आपको बुक्स मिलते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको पढ़िए और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जहां दिक्कत आ रही है। और ये नहीं कि आपको जहां दिक्कत नहीं आ रही उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अभी जो एग्जाम आपका आ रहा है वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाइए, जहां पे डाउट आ रहा है उसको स्टडी कीजिए, लेकिन स्टडी करने का टाइम अब नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। जो दो चार क्वेश्चन थोड़े से डाउट आ रहे हैं उसको पढ़ लीजिए और फिर नए साल में नई तैयारी से लग जाइए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 15, 16 का लाई थी और 16, 17 का एंड फिर 17, 18 का क्वेश्चन लेके आऊंगी। तो इसे इसकी प्रैक्टिस करिए, मेरे आंसर्स को देखने से पहले आप अपने खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आप आंसर चेक करिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे खत्म करूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।